राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मेसी फर्गुसन 8055 ट्रैक्टर के बारे में जो 55 HP का है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके बोनट की बात करें तो काफ़ी शानदार सिंगल पीस बोनट दिया है। सामने की तरफ मेसी का लोगो दिया गया है। सामने आपको काफ़ी बड़ी जाली और लाइट दी है और साइड में 8055 का लोगो और मेसी फर्गुसन की बैचिंग मिल जाती है। इसमें आपको 750/16 के आगे के टायर और 1628 के पीछे के टायर मिलते हैं। इसमें आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलती है। अब अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 3 सिलेंडर बॉस कंपनी का इनलाइन पंप दिया है। नीचे वाटर सेपरेटर दिया है। अगर इसके डीजल टैंक की बात करें तो इसमें 60 लीटर का डीजल टैंक मिलता है और यहां पर हीट गार्ड दिए हैं जिससे इंजन की गर्मी ड्राइवर के पाँव में ना लगे। इसमें आपको डबल क्लच मिलता है और प्लेटफॉर्म का आप देख सकते हैं एकदम साइड शिफ्ट गियर के साथ आता है ये ट्रैक्टर। और दूसरी साइड आपको साइलेंसर मिल जाता है जिसमें जाली लगी है। और ब्रेक की बात करें तो ऑयल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक मिलते हैं। और दोस्तों, इसके बोनट को उठाने के लिए 2 पंप दिए हैं जिसे जेक बोलते हैं। और दोस्तों, इसमें ट्राली को उठाने के लिए अलग से लीवर दिया गया है और इसी लीवर से आप पल्टी प्लाव भी चला सकते हैं। और यहाँ पर 2 डीजल फिल्टर दिए हैं और 1 ऑयल फिल्टर भी दिया है। तो चलिए अब आपको ऊपर से दिखाते हैं। सबसे पहले आप स्टीयरिंग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी और काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये इसका मीटर है जिसमें आप RPM वगैरह देख सकते हैं। दोस्तों, हम इसके गियरों की बात करें तो 12 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर हैं। साइड में आपको DC PC लीवर मिल जाते हैं और दूसरी साइड हैंड ब्रेक दिया है और नीचे PTO गियर मिल जाता है। तो अब हम पीछे की बात करें तो सबसे पहले आपको टूल बॉक्स मिल जाता है और इसमें आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाल मिल जाते हैं जिससे आप प्लव वगैरह चला सकते हैं। और अगर हम इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो 2350 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है जो किसी अन्य दूसरे ट्रैक्टर में नहीं मिलती है। सिर्फ और सिर्फ मेसी कंपनी में ही इतनी ज़्यादा लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पर लाइट दी है। चलिए दोस्तों, आपको इस ट्रैक्टर की आवाज़ सुनाते हैं, चलाइए। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।